बारी बरसी खटण गया सी उते खट के लियांदा क्यों ओए पंगड़ा ता सजदा जद नचे मुंडे दी मां ते प्यो के पंगड़ा ता सजदा जद नचे मां और प्यो के पंगड़ा ता सजदा शादी रोज नहीं होती चलो ए डैडी दी हो गई वाह भाई वाह ए डैडी दी हो गई वाह भाई वाह ए डैडी दी हो गई वाह भाई वाह और बारी बरसी कटण गया सी ओते खट के लियांदी कार ओए पंगड़ा ता सजदा जे नचण मुंडे दे यार के पंगड़ा ता सजदा ए नचण मुंडे दे यार के पंगड़ा ता सजदा जब नचण मुंडे दे यार के पंगड़ा ता सजदा ओए बारी बरसी खटण गया सी ओते खट के लियांदी छाप ओए पंगड़ा ता सजदा ओए पंगड़ा ता सजदा जद ब्याह वाली जोड़ी नचेगी आप तुम जस्सी वालिया बोल रही हो? जी आप कौन? मैं फादर रॉड्रिक्स बोल रहा हूँ माय चाइल्ड नैनीताल से और मुझे तुम्हारा नंबर पूरब ने दिया। पूरब? पूरब नैनीताल में? हाँ और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या? और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है। क्या हुआ दीदी? बारी बरसी खटण गया सी ओते खट के लियांदी छाप और रौनक ता लगदी रौनक ता लगदी जद नचेगी दुल्हन आप कैसे तैर रही थी तुम? मैं स्विमर नहीं हूँ। क्या? मुझे तैरना नहीं आता है। तैरना नहीं आता? जब तैरना नहीं आता तो पानी में गई क्यों? पागल हो क्या? रहना बीती जाए शाम ना आए रहना बीती जाए निंदिया ना आए रहना बीती जाए। जस्सी को ढूंढ रही हो तुम? क्यों, आपको पता है वो कहाँ है? कहाँ है भले ना बता सको लेकिन हाँ
ये जरूर बता सकता हूँ कि जस्सी कैसी लगती है, शायद ढूंढने में आसानी हो। अच्छा बताइए। जस्सी ऐसी लड़की है जो सारी दुनिया से प्यार करती है लेकिन खुद से नहीं। जैसे अगर तुम्हारा दिल सिर्फ दूसरों के लिए धड़कता है तो उसका क्या फायदा, खुद के लिए भी धड़कना चाहिए। और आखिर कब तक दूसरों के लिए धड़कता रहेगा, आफ्टर ऑल तुम्हारा जीवन उस पर डिपेंड करता है। तुम कब तक अपने आप से भागती रहोगी जैसे, हाँ सबसे पहले तुम्हें अपनी धड़कन पे खिलना होगा, थिरकना होगा तुम्हें। जैसे तुमने कभी चलता हुआ शहर देखा? नहीं, भागता हुआ देखा। क्या मतलब? लोकल ट्रेन से। डर लग रहा है? नहीं। भरोसा है मुझ पर? अब करना तो पड़ेगा ही ना, और कोई तो है ही नहीं यहाँ पे। तुम्हारा डर दूर कर देगा अभी। हाँ? चलो, आओ, 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 आओ। पूरब? जैसे देखो आराम से। पूरब ने? पैर उठाओ, पैर। पैर उठाओ, उसकी पर। डर भाग गया ना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने समंदर तो कई बार देखा लेकिन ऐसा पहली बार देख रही हूँ। तुमने ही भेजा था ना अरुंधति को मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए, और वो जितने भी फंडिंग के पैसे ला रही थी सब तुम्हारी झूठी बनाई गई कंपनी से ही ला रही थी ना वो। पता नहीं तुम चाहते क्या हो इन सब से, पैसा बिजनेस, तुम्हें हासिल क्या होगा इन सब से? तुम विश्वास करो जैसी, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया है। जैसी कई दिन से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन जो कहना है उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए ना तुमसे मिलने की कोशिश की ना बात करने की। इस बीच जो कुछ हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं हैं। जैसे जिंदगी गुजारने में और जिंदगी जीने में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता हूं, जी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, ना सोसाइटी में, ना खानदानों में, ना हमारी परवरिश में। हो सके तो मुझे माफ कर देना जैसे। जैसे? हाँ। देखो ना, इतनी बार बिछड़ने के बाद हमें जिंदगी ने एक बार फिर से मिला दिया, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। जैसे कम से कम मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तो दो। हमने जो खोया ना पूरा, वो हमें फिर कभी वापस नहीं मिल सकता। और वैसे भी मैं यहाँ अपने बीते हुए कल को भुलाने आई हूँ और तुम मेरे बीते हुए कल का एक हिस्सा हो। भुलाने की कोशिश तो मैंने भी बहुत की है जैसे, लेकिन फिर एहसास हुआ कि दूरी से याद कम नहीं होती, तो अपनी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स। चले? तुम एक न्यू कमर के साथ शूट नहीं करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम जैस्मिन स्पेशल डिजाइन के लिए कोई भी शूट कभी भी नहीं करोगे। जब तुम किसी जरूरी काम से जाती थी तो बेबी तुम्हें अपने हाथ से दही खिलाती थी ना, तो आज बेबी की तरफ से मैं तुम्हें दही खिलाऊंगा। तुम्हें मिला कहां से? जैसे अगर किसी चीज की सच्चे दिल से तमन्ना करो ना तो उसे हासिल करना मुश्किल नहीं होता। लो, लो खोलो। और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है, कि मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है, कि मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है।
परी रोहन, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बार में मेरा दोस्त है, पीले पीले तेरे बैचलर हुड के कुछ दिन बाकी हैं। शादी के बाद बोतल पे सील लग जाता है, दोस्तों पे बैन लग जाता है और बाहर जाने पे कर्फ्यू लग जाता है। मैं तो कहता हूँ कि तेरी गवर्नमेंट चेंज होने से पहले ना एक वाइल्ड बैचलर पार्टी होनी चाहिए। Really? You know, Raj, it's actually not a bad idea. लेकिन ये पार्टी दो दिन में होनी चाहिए, 2 days. किस किस को बुलाना है और क्या क्या करना है ये मैं डिसाइड करूँगा। मेरे भाई मुझे तो बता दे कि तू किस किस को बुलाने वाला है, किस किस को? देख यार, गुलमोर के सारे अपने यार तो होंगे ही, और तुझे क्या हो गया? हाँ? नहीं कुछ नहीं, वो तूने गुलमोर का नाम लिया तो अचानक मुझे सीछे का ध्यान आ गया। उसे नहीं बुलाना तो नहीं बुलाएंगे यार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, यार वो सीजे बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चला गया। अब देखना, आईपीओ का सारा काम बाकी है, शादी सिर पर है और सीजे पता नहीं कहाँ पर गया। I just hope he's all right. या देख, गुलमोहर की प्लानिंग तू कर, पार्टी की प्लानिंग मैं करता हूँ। Let's have another drink. इतने दिनों बाद पूरा खानदान इकट्ठा हुआ, भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मामी ने बड़ी रौनक लगाई। हाँ जी। मैं तो इसे बोट टाइम के बाद नाचते हुए देखा। क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे बात करनी है पापा जी। मम्मा बेबे आपसे भी। ये क्या कह रही है तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पापा जी किसी की आखिरी ख्वाहिश है और जो भी हो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पापा जी पूरब की आखिरी इच्छा है ये। वो जो तेरे को मंडप में बैठा करके चला गया उसकी आखिरी इच्छा की बात करिए तू? पापा जी पूरब ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसकी अपनी एक मजबूरी थी। पापा जी मेरा यकीन मानिए, पूरब ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। अगर आज पूरब मेरा साथ नहीं देता तो मैं आप सबके सामने नहीं होती। पूरब को मेरी जरूरत है पापा जी। थोड़े से ठंडे दिमाग से सोच, तेरी शादी के 4 दिन बचे हैं, 4। सारे फंक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, कितने सारे मेहमान आए हुए, पूरा घर भरा हुआ है, कितनी दूर दूर से आए तेरे बेटा, कैसे तू कैसे सोच सकती है सबके बारे में? और तू कितने जा रही है? हाँ ओ की गल है पुत्र, तेरी चुन्नी चढ़ गई है, मेहंदी लग गई है और तुझे बाहर जाना है? और तेरा दिमाग तो ठीक है ना? प्लीज किसी के लिए हमदर्दी होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो तेरी अपनी जिंदगी का सवाल है ना बेटा। पापा जी आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? शादी का मुहूर्त तो फिर से निकल आ सकता है ना, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो क्या करेंगे हम? मैं वैसे भी शादी के पहले आ जाऊंगी पापा जी। ओ जस्सी पुत्र मेरी गल सुन, किसी का भी एक का फोन आ गया और तू अपने सारे सगे संबंधियों को छोड़ के वहां चली जाएगी? तो मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आनी है और तेरी बात तो सबने मान ही लेनी है। पम्मी बहन जी ठीक कह रहे हैं, जस्सी पुत्र तू ना जा। एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। देख बेटा, हम लोगों की जो जो राय थी वो हम लोगों ने तेरे सामने रख दी, अब क्या कहें तुझसे, तू खुद ले ली फैसला, जो कुछ भी फैसला तुझे लेना, हम तेरे साथ। पापा जी एक और इंसान है जिसकी राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओ जस्सी कहाँ जा रही है बेटा? अरमान के पास, उसे पूछने उसका इस बारे में क्या ज्ञान है। ओ ना पुत्र, शादी से पहले अपने पति के घर नहीं जाते हैं, बहुत बड़ा अपशगुन होता है, तू समझती क्यों नहीं है? ओ पराजी समझाओ इनको। जा बेटा, तू किस लिए अरमान के पास जा रही है और वो तुझे क्या जवाब देगा? जवाब देगा वो मुझे पापा जी, अरमान मेरा होने वाला पति है, वो मेरी बात को जरूर समझेगा और उसे समझनी भी चाहिए। बड़ी स्थिति है।
चिल्ड्रन, मैं ये फ्लावर्स और गेटवेल कार्ड्स पूरब अंकल को जरूर दूंगा और उनसे ये भी कहूंगा कि तुम सब उनकी अच्छी सेहत के लिए रोज गॉड से प्रेयर करते हो। ओके ओके। अब पूरब अंकल को आराम करने दो, क्योंकि वो आराम करेंगे तो ही जल्दी ठीक होंगे ना। गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। कम ऑन चिल्ड्रन। इन बच्चों को यहां ले आने के लिए डीन से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। पूरब इन बच्चों से बहुत प्यार करता है। इन बच्चों के यहां आने से इसकी बीमारी शायद ठीक ना हो, लेकिन इसकी आत्मा को सुकून जरूर मिला होगा। जैसे क्या हुआ तुम यहाँ पे? मुझे फोन कर रही थी, मैं आ जाता तुम। अरमान वो मैं क्या सुना आज क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हो क्यों? बहुत जरूरी बात है अरमान। मैं जैसी जस्ट रिलैक्स, काम। वो मर रहा है अरमान। कौन जैसी? वो मुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है अरमान। जैसी कौन तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है? वो नैनीताल में है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है अरमान। वो कभी भी, मैं क्या करूं? वो बस मुझसे मिलना चाहता है अभी इसी वक्त। एक तरफ मेरा वो दोस्त है पूरब अरमान, जिसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, और एक तरफ हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन। मैं क्या करूं अरमान, मैं जाऊं या यहीं रहूं? अरमान, पूरब वो इंसान है जिसने हमेशा मुझे सहारा दिया। आज पूरब को मेरी जरूरत है। मैं जानती हूँ कि हम सबके सपने सच होने वाले हैं अरमान, लेकिन किसी की जिंदगी का अंत हो रहा है और किसी की जिंदगी की नई शुरुआत। क्या करूं मैं? जैसी, कुछ फैसले हमें जिंदगी में अकेले लेने पड़ते हैं। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती अरमान? मेरे घर वाले चाहते कि मैं ना जाऊं, वो चाहते कि मैं पूरब की आवाज को अनसुना कर दूं। शायद वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी शादी से बहुत से लोगों की खुशियां जुड़ी है अरमान, लेकिन किसी की आखिरी ख्वाहिश ठुकरा कर मैं खुश रह पाऊंगी? क्या ये हमारी जिंदगी की शुभ शुरुआत होगी अरमान? बताओ अरमान प्लीज, अब तुम मेरे पति भी हो अरमान, और ये फैसला तुम्हारा भी है। एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी। हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं।